बुद्धिजीवी लोग, वकील जैसे लोग आपस में भिड़ गए, और वकील नहीं वकीलों को, मतलब वकीलों ने वकील को पीट दिया। ये किस तरह का मामला और आखिर क्यों ऐसा हुआ? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? गौरव भाटिया जी की हम बात कर रहे हैं और फूलपुर की भी बात कर रहे हैं। देखने को यही मिल रहा है कि वकील ही वकील को पीट रहा है। नहीं देखिए, तो सबसे पहले मैं तो अपना परिचय दे दूं। मैं विनोद कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन में हूँ। जहाँ तक गौरव भाटिया की बात है, मैं भी देखा ही हूँ। उसमें जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता किसी बिंदु पर न्यायिक कार्य शिविरत थे और आंदोलनरत थे। उसमें कोई मोटा केस भाटिया साहब को मिल गया था और ये गए बेल कराने। वहाँ के अधिवक्ताओं ने इनसे काफ़ी निवेदन किया, अनुरोध किया कि आप ऐसा न करें, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम अपनी मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं और आप मेरा सहयोग करें, न कि इस आंदोलन को डिस्टर्ब करें। जो मैंने देखा वीडियो में, उसमें यही था कि काफ़ी समझाया बुझाए, लेकिन उनको ये था कि भाई हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, या संगठन उठन कुछ नहीं करेगा, या अधिवक्ता कुछ नहीं करेंगे, मैं पावरफुल आदमी हूँ। और समझाने के बावजूद जो है नहीं माने, तो कुछ हमको लग रहा है कुछ धक्का मुक्की हुई होगी, और कोई ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, दूसरा मामला फूलपुर का। फूलपुर में भी फूलपुर के तहसील के अधिवक्ता जो हैं वो किसी बिंदु पर आंदोलनरत थे। उसमें एक सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आजमगढ़ के गए और जा कर के कहे कि भाई हम तो बहस करेंगे। लोगों ने कहा कि आज हम लोग आंदोलनरत हैं और आप ऐसा न करें। तो उनको उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो भाई बहस करूंगा और मैं किसी भी कीमत पर मानूंगा नहीं। और उसको लेकर के थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा। उसके विरुद्ध वकील साहब आए तो 60-70 वकीलों के खिलाफ FIR करा दी है। वकील साहब की पिटाई अच्छे से हो गई है? अब हमको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि इन लोगों को यह समझना चाहिए कि संगठन एक परिवार है। अगर हमारे परिवार के संगठन के लोग किसी मामले को लेकर आंदोलनरत हैं या कोई मांग उनकी जायज है, किसी जायज मांग के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें जाके दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका उनको उनके विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो खामोश हो जाइए। गौरव भाटिया जी को भी देखा जाए तो एक सीनियर बड़े वकील हैं, और उनकी इस तरीके से पिटाई कुटाई, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। अच्छा, तो इसका इसका क्या करेंगे? अगर किसी को ये हो जाए कि हम सबसे बड़े हैं, तो इसका क्या इलाज है बताइए? इसी यही छोटे छोटे लोग किसी को बड़ा बनाते हैं, यही सामान्य अधिवक्ता किसी को बड़ा बनाते हैं। आप अपने सड़े बड़े हो जाएंगे। यानी एक अल्टीमेटम ये माना जाए शेष अधिवक्ताओं के लिए कि अगर वो भीड़ से अगर अलग हुए, यानी झुंड से अलग हुए, तो जैसे डाल से गिरे बंदर की हाल होती है, वही कर दिया जाएगा। ये झुंड और भीड़ नहीं है, ये बुद्धिजीवी अधिवक्ताओं का संगठन है और जायज मांगों को लेकर कोई लड़ाई लड़ रहा है। और अगर समझाने बुझाने अनुरोध के बाद भी आप नहीं मानेंगे तो यही इलाज, तो अपने पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ये मतलब आखिरी इलाज यही है? नहीं, आखिरी इलाज मजबूरी है। तो अधिवक्ताओं से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अधिवक्ताओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई मान सम्मान पर जब भी आ चाहे तो लड़ाई लड़ने में कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। दूसरी बात कि मर्यादा में हम लोग भी रहें, और जो लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं कि आंदोलनरत वकीलों के खिलाफ आकर के 3-5 कर रहे हैं, उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल ये है कि आप अधिवक्ताओं के लिए लड़ते हैं, आज अधिवक्ता ही आपस में लड़ गया है, तो अब जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई वो भी अधिवक्ता हैं, जिन्होंने कराया वो भी अधिवक्ता हैं, तो इस FIR में आप क्या करेंगे? अधिवक्ता आपस में नहीं लड़े हैं, एक जैसे कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनका माइंड सेट जो है कुछ अलग होता है, उनको अपने समाज से मतलब नहीं, उनको अधिवक्ता संघ से मतलब नहीं, वो अपना व्यक्तिगत काम देखते हैं, व्यक्तिगत लाभ देखते हैं, तो वहाँ हम उनके साथ नहीं खड़े हैं जो हाँ जो व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं। हमारा परिवार, हमारा संगठन, हम अपने संगठन के साथ खड़े हैं और संगठन साथ रहना चाहिए सबको।